वेलकम फ्रेंड्स टू बॉन्ग पंजाबीज़। आज मैं एक बहुत ही यमी एंड टेस्टी पनीर ग्रेवी डिश लेके आई हूँ। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें कोई प्याज या लहसुन यूज़ नहीं हुआ है और फिर भी ये रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके सामने हैं। रेसिपी देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ मैं लेके आती रहती हूँ। तो इसके लिए हम पनीर को काट लेंगे। थोड़े काजू को हम गर्म पानी में 10 मिनट भिगो के रखेंगे। ये इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, अदरक, ग्रीन चिली और सम मेलन सीड्स एंड ये है दही जिसको हमने फेंट लिया है। ये हम टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, खरबूजे के बीज, भिगोए हुए काजू, एक इलायची और दो लौंग को एक मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे, उसका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरीके से एक फाइन पेस्ट हमें रेडी कर लेना है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। करीबन 2 टेबलस्पून तेल मैंने यूज़ किया है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, एक सूखी लाल मिर्च और एक तेज़पत्ता। जैसे ही जीरा स्प्लटर करने लगे हम इसमें डालेंगे हमारा जो टमाटर, काजू, जिंजर, चिली पेस्ट था वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1 चम्मच धनिया पाउडर, तकरीबन 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, करीबन 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको कम तीखा चाहिए तो आप कम डालिए। करीबन आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको अब अच्छी तरह से मिला लेना है और 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करना है। इसमें अब डालिए 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा इसमें नमक, मैंने अराउंड 1 चम्मच डाला है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है 2 से 3 मिनट, जब तक मसाला अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। अब देखिए मसाला फ्राई होने के बाद इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा इसको क्रश करके। ये सूखी कसूरी मेथी आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप ये इसमें यूज़ करिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इसको भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर दीजिए और देखिए हमारा मसाला काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच दही के, फेटा हुआ दही है वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से फेट लेना है दही को मिक्स करने से पहले। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अब इसको 1-2 मिनट फिर से हमें फ्राई करना है। देखिए मसाला हमारा फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें कटे हुए जो पनीर के पीसेस हैं वो ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम्स पनीर का यूज़ किया है, आप क्वांटिटी वेरी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब मसाले के साथ हमें पनीर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है जिससे कि सारा फ्लेवर आ जाए पनीर में। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी बनाने के लिए। आपको जितनी थिक ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करिए। पानी डालने के बाद अब इसको बॉयल होने दीजिए, ढककर इसको 2 से 3 मिनट तक बॉयल होने दीजिए। देखिए अब ग्रेवी हमारी थोड़ी थिक हो गई है, ऑलमोस्ट रेडी है। अब जस्ट फिनिशिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश क्रीम और इसमें हमने और भी यूज़ किया है ग्रेटेड पनीर का, जो पनीर हमने स्लाइस किया था उससे उसी के साथ हमने थोड़ा सा ग्रेट करके रख लिया था, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे भी। और थोड़ा सा हम फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर डालेंगे गार्निशिंग के लिए, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बस ये मखमली पनीर ग्रेवी डिश रेडी है, इसको एंजॉय करिए गरम चपाती, नान या फिर जीरा राइस के साथ। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।